हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही चल गया होगा कि अमृतपाल सिंह को इस समय पुलिस ने पकड़ लिया है, और इसके लिए पंजाब पुलिस ने बाकायदा ट्वीट किया और लोगों को शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए आग्रह किया है। ये व्यक्ति लगभग 36 दिनों से जो है पुलिस को चकमा दे रहा था और इधर उधर भाग रहा था, और अंत में इसने जो है सरेंडर कर दिया है। वारिस पंजाब दे चीफ एक इसका अपना संगठन है जिसका ये चीफ है, और ये खालिस्तानी समर्थक है, और ये मोगा के एक गुरुद्वारे में जो है छिपा हुआ था जहाँ से उसने सरेंडर कर दिया है। अब आप सोच सकते हैं लगभग 36 दिनों बाद इस व्यक्ति को जो है पकड़ा गया है, और इसके खिलाफ़ जो है हत्या है, हत्या का प्रयास, पुलिस कर्मियों पर हमले, लोक सेवकों द्वारा कर्तव्य के वैध निर्वाहन में बाधा उत्पन्न करना, कई आपराधिक मामले इसके खिलाफ़ जो हैं दर्ज किए गए हैं। और अब देखिए इस पर क्या सी कार्रवाई की जाती है। और काफ़ी दिनों बाद ये 18 मार्च से ये फरार चल रहा था, जिसको मोगा में एक गुरुद्वारे में जो है अरेस्ट कर लिया गया है। तो शायद ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।